अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। कल हमने देखा कि राइट रिवॉल्यूशन में किस तरह से डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन की थर्ड स्टेज की स्ट्रगल की वजह से पूरे यूरोप में, बल्कि अगर हम कहें कि फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में एक एरिस्टोक्रेटिक और मोनार्की जो है इसको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा और किसी हद तक डेमोक्रेटिक राइट्स बहाल हुई और इनमें से अक्सर राइट्स जो जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन जो उस नेशनल असेंबली ने हासिल किए थे और जिनको डिक्लेयर किया था राइट्स को, और वो राइट्स जो हैं आज भी हम उनको इस्तेमाल करते हैं और वो राइट्स आज भी हम इंजॉय करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमने ये देखा कि लुई 16th जो था, लुई 16th ने चूंकि अवाम के सामने जो है एक कम्प्रोमाइज़ किया था और एक इलेक्टेड बॉडी को तस्लीम किया था और एक नेशनल असेंबली को तस्लीम किया था, लेकिन इसके बाद भी वो खुफिया तौर उसने अलाइंस किया था, उसके नेगोशिएशन जारी रखी थी। यानी लुई 16th जो था इसने नेगोशिएशंस की थी, इसने खुफिया साजिश की थी प्रूशियन किंग के साथ इसने साजिश की थी कि इस ये जो ये गवर्नमेंट है, ये जो लोगों की ये जो बगावत है, रिवोल्ट जो है, इसको कैसे दबाया जा सके, और नेशनल असेंबली तस्लीम करने के बावजूद भी इसने इसके खिलाफ दूसरे ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी उनके साथ मिलकर उसने इनके खिलाफ अब एक महज खड़ा किया। तो नेशनल असेंबली को जब इस चीज का पता चला तो उन्होंने 1700 तो इसके खिलाफ इन्होंने ये जो रूलर्स ने जब ऐसा किया तो ये जो नेशनल असेंबली जो थी उन्होंने एक इजलास बुलाया, एक कन्वेंशन बुलाया और यहाँ डिसाइड हुआ कि इन्होंने वार डिक्लेयर किया। अब ये जो नेशनल असेंबली थी इन्होंने एक फैसला लिया, नेशनल असेंबली का इजलास बुला के, कन्वेंशन बुला के इन्होंने फैसला लिया कि ये प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ हम जो लुई 16th को जो सपोर्ट करते हैं इनके खिलाफ इन्होंने अब ये जो ट्रूप्स निकाले यानी फौज जारी की और एक डिसीजन लिया कि हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो इस तरह से यूरोप में चूंकि हर कंट्री में यही पॉलिटिकल ऑर्डर था, ये जो एरिस्टोक्रेसी थी या मोनार्क्स थे, तो और इन्हें इस रिवॉल्यूशन को वो किसी न किसी तरह से, क्योंकि इनके जो प्रिविलेज थे इनको जख्म पहुंचता था, इनकी गवर्नमेंट को इनके पावर सीज हो जाते थे, इसलिए वो ये चाहते थे कि यूरोपियन कंट्रीज इन डेवलपमेंट्स को देखती थी। वो सारे यूरोपियन कंट्री जो थे, वो रूलर जो थे, ये इस रिवॉल्यूशन के खिलाफ थे और उन्होंने चाहा कि किस तरह से फ्रांस में जो है इस रिवॉल्यूशन को कर्ब किया जाए, इसको क्रश किया जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने तो नेशनल असेंबली जो फ्रांस की थी इन्होंने अब प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ फौजकशी की, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ इन्होंने अब ट्रूप्स अपने निकाले और इनके खिलाफ एक सिविल वॉर लड़ने की कोशिश की। और ये दरअसल ये जंग जो था ये एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ था, इट वॉज ए फाइट अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की। ये एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की के खिलाफ एक जंग था जिसको ये फ्रांस के ये थर्ड स्टेट ने आपस में जो लड़ा। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि आगे चलकर ये जो है अवाम भी इनके साथ था, पूरे महाज इनके साथ था, क्योंकि अब जो ये जो इलेक्शन जो हुए थे, नेशनल असेंबली जो हुई थी, यहाँ सिर्फ अभी पॉलिटिकल राइट्स जो थे ये सिर्फ वेल्दी पीपल को मिलते थे, अमीरों को मिलते थे, यानी पॉलिटिकल राइट्स वर गिवन ओनली टू वेल्दी पीपल, पॉलिटिकल राइट्स
वायर, यानी वोट का हक भी सिर्फ प्रॉपर्टी जो ओन कर सकता था, जिसके पास प्रॉपर्टी होती या जो टैक्स पे कर सकता था, वही उसी को ये जो वोट डालने का हक भी था, और उसी को जो है ये वोट डालने का हक था, पॉलिटिकल पॉलिटिकल राइट्स उसी को मिलते थे, और बाकी जो औरतें थी या गरीब लोग थे वो इन हकूक से ये जो वो इन हकूक से महरूम थे, डिप्राइव थे इन हकूक से। और हम देखते हैं कि फिर पूरे फ्रांस में इस ये क्लब्स बने, डिफरेंट क्लब्स वजूद में आए, यानी सब लोगों ने इस जुल्म के खिलाफ, इस पॉलिटिकल ये डिस्क्रिमिनेशन जो नेशनल असेंबली बनने के बाद भी जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन रहा, तो इम्तियाज रहा गरीब और अमीर के दरमियान, तो इस वजह से अब डिबेट्स चलने लगे, अब क्लब्स बनने लगी, औरतों ये वोमेन जो थे इनके क्लब्स अलग थे, अब जो आम लोग थे इनके क्लब से अलग थे, और इनमें सबसे मशहूर क्लब जो था इनको हम कह रहे हैं जेकोबिन क्लब, जेकोबिन क्लब, जेकोबिन क्लब जो थे ये गरीब लोग थे, यानी ये अक्सर इसमें शॉपकीपर्स हुआ करते थे, शॉपकीपर्स मैक्सिमम ये गरीब थे। जेकोबिन क्लब्स के साथ ये बहुत ही सक्सेसफुल क्लब था, असल में रिवॉल्यूशन में इसी ने असल में जो रिवॉल्यूशन को कामयाब बनाया वो असल में जेकोबिन क्लब ही है। तो इसमें शॉपकीपर्स थे, आर्टिजन्स थे, आर्टिजन्स, और इसमें जो थे हम देखते हैं शू मेकर्स, और इसी तरह इसमें वॉच मेकर्स, छोटे छोटे ये बेचारे ये वर्कशॉप वाले। तो इस तरह से इन्होंने ये जो ये जेकोबिन क्लब जो था इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, लीडर ऑफ दिस ग्रुप वाज क्लब, वाज लीडर ऑफ दिस क्लब जेकोबिन क्लब, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये इनका हेड था। अब इन्होंने जो था ये इनका हेड था, तो खुद ये जो अब जो पब्लिक जो है पब्लिक ने इनका साथ दिया, ये सक्सेसफुल क्लब वहां का था, और ये सारे इन सबों ने ये चाहा कि हम पूरे फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप को इन ये जो इस पॉलिटिकल ये जो पॉलिटिकल इनजस्टिस जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और लोगों को आजादी दिलाएंगे, पॉलिटिकल राइट्स लोगों को दिलाएंगे। और इस तरह से अक्सर जो पब्लिक है फ्रांस का वो जंगों में जाया करता था, वो सिर्फ लड़ने के लिए जाया करते थे, और इनकी औरतें जो होती थी वो घरों में रहा करती थी, और बाज़ाकात इन्हें कमाने के लिए भी निकलना पड़ता था, और अपने हाउस होल्ड्स की भी निगाहदाश्त रखनी पड़ती थी, अब हाउस होल्ड्स का घर अपने खानदान का भी ख्याल रखना पड़ता था, और मर्दों का काम भी इन्हें करना पड़ता था, मर्दों के काम का को भी वो अंजाम देते थे, और इसके साथ साथ घरों की खबर गिरी भी देते थे, और मर्द जो थे इन्होंने अपने आप को डिवोट किया था सिर्फ जंगों में जाने के लिए, ताकि पॉलिटिकल राइट्स इन्हें हर एक इंसान को यहाँ पॉलिटिकल राइट्स मिल जाए। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़कर ये जो क्योंकि हमने पहले भी देखा कि फ्रांस में जो था पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी, फूड क्राइसिस वहां हो गए थे, ये जो प्राइसेस जो हैं ये बहुत हाई हो गई थी, अब इन प्राइसेस जो जब हाई थी तो ये जो अवाम जो था ये फाक किसी का शिकार था, ये बेचारे स्टार्व कर रहे थे, ये भूखे मर रहे थे, और इन लोगों ने ये लोग जो हैं पेरिस में आकर इन्होंने एक ये जो है इन्होंने बादशाह के एक पैलेस को जिसका यानी पैलेस को इन्होंने स्टॉर्म किया, यानी पैलेस में ये दाखिल हो गए, यानी टुलरीज के पैलेस में दाखिल हो गए, और वहां इन भूखे लोगों ने इस पैलेस में जाकर जहां ये लुई 16 बैठा था और इसके गार्ड्स वहां बाहर थे, और इन्होंने इन गार्ड्स को कत्ल किया, और रोबेस्पियर ये जो लुई 16 था उसकी फैमिली के साथ वो इस पैलेस में बैठा था, तो वहां इसको होस्ट रखा गया, यानी उसको नजरबंद रखा गया कुछ घंटों के लिए।
इसके बाद नेशनल असेंबली ने फिर इलेक्शन शुरू की, एकदम उन्होंने अपना कन्वेंशन बुलाया और इस तरह से उन्होंने 21 अगस्त को ये जो एंग्री पब्लिक जो है, जो ये भूखे और ये जो स्टारवुड लोग जो होते हैं, ये इस पैलेस में घुसते हैं और पैलेस में जाकर ये वहां से कुछ खाने की चीजें निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई दिनों से इनको अपने बच्चों के लिए, औरतों के लिए कुछ खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो जब ये इस पैलेस में दाखिल हुए तो इस लुई 16 के गार्ड्स को वहां कत्ल किया और इस जैकोबिन कल्बस ने इनका साथ दिया और इस तरह से ये जो लुई 16 था इसको होस्ट किया गया, उसकी फैमिली के साथ साथ उसको नजरबंद किया गया। तो एक उसी वक्त एक इजलास बुलाया गया, कन्वेंशन बुलाया गया नेशनल असेंबली का और एक इलेक्शन हो गया और इस इजलास में इन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्होंने 21 ईयर्स का जो भी मर्द हो या औरत हो उसको 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 वोटिंग राइट मिला, यानी अब जो वोटिंग राइट जो है ये 21 एज से हुआ और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रही। और इस तरह से यूरोप में जो है ये जो है ये वोटिंग राइट जो है पॉलिटिकल राइट जिससे महरूम थे लोग अब तक, तो ये पॉलिटिकल राइट इनको मिला और ये लुई 16 जो था इसको इम्प्रिजन किया गया इसकी फैमिली के साथ और इसको कैद किया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस में हम देखते हैं कि एबॉलिश हो गई ये मोनार्की जो है, एरिस्टोक्रेसी जो है ये एबॉलिश हो गई और वहां जो है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहां बनती है, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट वहां बनती है, एक ऐसी हुकूमत वहां बनती है जिसको अवाम चूज करता है, जिसको अवाम यानी इलेक्ट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह फ्रांस में आगे जाकर हम देखते हैं कि इन कल्बस की वजह से किस तरह एक चेंज आती है और बारह आखिर इस ये जो डिक्टेटरशिप है, ये जो मोनार्की है, वन मैन रूल जो है या एरिस्टोक्रेसी जो है इसको एबॉलिश किया गया और इस तरह से वहां एक रिप्रेजेंटेटिव या रिपब्लिकन गवर्नमेंट वजूद में आई और तमाम लोगों को राइट्स में और इनको अब ये जो पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, अब गरीब भी वोट ये जो अपनी राय का इजहार कर सकते थे लेकिन औरतों को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। तो इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से ये जो फ्रांस में जो डेवलपमेंट्स थे तो किस तरह लुई 16 इस नेशनल असेंबली को तस्लीम करने के बाद भी वो चाहता था कि इस एजिटेशन को करप्ट किया जाए और जिसकी वजह से फिर उसको उल्टा भुगतना पड़ा और आखिरकार फिर पूरी तरह से अब फ्रांस में जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बुनियाद पड़ी। तो ये आज इसके बारे में था, कल इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, तो वो कल होगा। खुदा हाफिज़।